मुताबिक और कि आदमी फंसे, 7-8 आदमी फंसे हैं, उनको हमने निकालना है। हमारी टीम आ चुकी है, एक अफसर, 2 जेसीओ और 25 बार आ चुके हैं, अभी हमारी कार्रवाई शुरू है। जो है यहाँ पर आज सुबह ही पहुँचे और आपको बता दें कि अभी जो है यहाँ की मकामी रजाकार तंजीमों के साथ साथ NDRF भी पहुँची है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो कल जो रात को जो देर रात T3 टनल जो है उसका फेस कलेप्स हो गया और जिसकी जद में कम से कम 8 से 10 आदमी जो है आ गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी जारी है और अब तक हम पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट जो है अब तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और मशीनरी जो है वो लगी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है कोई भी इनपुट जो है नहीं मिला है और अभी तक जो है रेस्क्यू करने में दुश्वारी ज़रूर पेश आती है, लेकिन अभी तक किसी को भी जो है इस क्लैप साइट से निकाला नहीं गया है। तो मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए अर्ली टाइम्स। जो बननी स्टार्ट हुई वहाँ पर लेबर काम कर रही थी, वहाँ पर रात को 11 बजे वैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, तो यहाँ पर इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पुलिस और NDRF की टीम है, उसमें 3 लोगों को उसका निरीक्षण किया गया, इसके अलावा जो 10 लोग अभी वहाँ से चला गया अभी तक अंदर है, उसके लिए पूरी रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ वैक्सीन किया जा रहा है, इसके बजाय NDRF को भी कॉल दिया गया, वो NDRF भी यहीं पर है, हमारी पूरी कोशिश है कि इमीडिएटली रेस्क्यू किया। 12 घंटे से ज़्यादा 10 लोगों की अभी तक हमें सोचा 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ी ऊपर से नीचे आई है, तो बोल्डर्स को नीचे करने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ता है, काम करने का स्पेस जो यहाँ पर मशीनरी के अंदर जाने का स्पेस कम है, उस वजह से है हमें पूरी मशीनरी मोबिलाइज कर रखी है, रात को 11 बजे से पूरा यहाँ पर ऑपरेशन जल्दी।